गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से आपका डिस्कवरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अब तक 5 क्लास हो चुकी हैं। कितनी क्लास हो चुकी हैं? 5 क्लास हो चुकी हैं और आज जो क्लास होने वाली है वो 6वीं क्लास है। भारत का भौतिक या हम कह सकते हैं भौगोलिक विभाजन, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक के अंतर्गत 5 क्लास हो चुकी हैं, 6वीं क्लास है और भारत के भौगोलिक प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया था। वर्तमान में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो 3rd नंबर का प्रदेश है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत इसमें बहुत से पठार पाए जाते हैं और पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। कल हमने जो अध्ययन किया था वो पठारी प्रदेश का अध्ययन किया था। जैसे कौन कौन से? एक तो मेवाड़ का पठार। सेकंड नंबर पे जिसका अध्ययन किया वो था मध्य भारत का पठार। थर्ड नंबर पे जिसका अध्ययन किया वो था मालवा का पठार। नेक्स्ट बुंदेलखंड का पठार। फाइव नंबर पे बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट छोटा नागपुर का पठार। मेघालय का पठार। दंडकारण्य का पठार। और नौवे नंबर पर जो सबसे लास्ट में अध्ययन किया वो था दक्कन का पठार। इनके बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं कल की क्लास में। कौन कौन सा? मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार और दक्कन का पठार। मित्रों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे पर्वतमालाओं के बारे में। जो सबसे पहली है या सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वह है अरावली पर्वतमाला। सेकंड नंबर पर है ये फर्स्ट। सेकंड पे विंध्याचल पर्वतमाला। थर्ड नंबर पर हम अध्ययन करेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। और फोर्थ नंबर पर है पश्चिमी घाट और फाइव नंबर पर है पूर्वी घाट। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। कल मैंने डायग्राम में आपको इनको इंडिकेट करके बता दिया था, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ।
चलो यहीं बना देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। तो मित्रों ये बन गया भारत। इस प्रदेश के अंतर्गत ये अरावली पर्वतमाला, कौन कौन सी पर्वतमाला कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे पहले ये जो पर्वतमाला पाई जाती है ये है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। इसके नेक्स्ट जो दक्षिण में पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल। इसी के जो नीचे पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला, और यहाँ पे जिसको हम ये इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और मित्रों यहाँ पे जो पाई जाती है ये यहाँ मिल जाते हैं, इनको हम कहते हैं कौन से घाट? पूर्वी घाट। इस प्रकार से इनको अपने नक्शे में इंडिकेट कर सकते हैं, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। समझ में आ रहा है ना? मैं समझ सकता हूँ कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल और सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इस प्रकार से इनका इंडिकेट है। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो, बाद में भी आप इसको एक बार फिर रिवीजन कर लेना तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आप हेडिंग लिखिए सबसे पहले अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली थी अरावली पर्वतमाला। अरावली, तो मित्रों अरावली जो पर्वतमाला है ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कैसी कैसी है ये? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कौन से युग में इसका निर्माण हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। और प्री कैम्ब्रियन युग था कब? तो ये था 4 अरब वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व से लेकर के 59 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो काल था वो प्री कैम्ब्रियन काल था। यानी जो अरावली पर्वतमालाएं, ये कितने अरब? 4 अरब वर्ष पूर्व पुरानी पर्वतमालाएं, सबसे प्राचीन पर्वतमालाएं। और अरावली पर्वतमाला ये कैसी है? तो ये वलित पर्वतमालाएं, वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला है। मित्रों वलित का आप मतलब समझते होंगे कि ये पैरेलल नहीं चलती, ये इस प्रकार से जिग जैग में कहीं ऊंची हो जाती है और कहीं नीची हो जाती है, तो वलित पर्वतमाला का या वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा ये खंड अब उसका यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, खंड पर्वत नहीं सॉरी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है क्योंकि जब इसका उत्थान हुआ था उस समय यह हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन निरंतर में अनाच्छादन और अपरदन की क्रियाएं इस पर होती चली गई और धीरे धीरे करके इसकी जो ऊंचाई थी वो कम होती चली गई।
तो ये कैसा पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन? अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला का अगर हम बात करें कि विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका जो विस्तार पाया जाता है, तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, यहां पे गुजरात, और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है, हम कह सकते हैं यहां पे पालनपुर। गुजरात का जिला है पालनपुर। तो गुजरात में पालनपुर से लेकर के, पालनपुर कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के और दिल्ली में करोल बाग तक, कहां पे? दिल्ली। और दिल्ली में कौन सा बाग है? करोल बाग। ये करोल बाग तक जाती है, लगभग ये है 692 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। विस्तार कहां है? गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली में करोल बाग तक है, लगभग 692 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। तो वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। अगर बात करें हम कौन कौन से इसमें स्टेट आते हैं, तो सबसे पहले जैसे गुजरात, यही लिख देता हूं मैं, इसके अंतर्गत जो सम्मिलित किए जाते हैं, यहां पे गुजरात, गुजरात, इसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में इसका ऊपर जाएंगे तो यूपी और दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है अरावली पर्वतमाला का। और कितने किलोमीटर? 992 किलोमीटर इसका विस्तार पाया जाता है। बात हम राजस्थान की करें, तो राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई पाई जाती है। और राजस्थान में सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही। और सिरोही जिले में एक स्थान है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्म, खेड़ ब्रह्म। ये सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्म से लेकर के और खेतड़ी सिंघाना, या अपन कह सकते हैं झुंझुनू जिले के की खेतड़ी तहसील तक, खेतड़ी तहसील तक ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। 550 किलोमीटर है, लगभग 80% है ये। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है, लगभग 80% पर्वतमाला कहाँ पे पाई जाती है? ओनली फॉर राजस्थान के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, इसकी जो औसत ऊंचाई पाई जाती है, औसत ऊंचाई, इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पाई जाती है मित्रों 930 मीटर ऊंची है ये। औसत ऊंचाई 930 मीटर पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो चोटी इसके लिए आप एक याद रख सकते हैं, ट्रिक याद रख सकते हैं, गुरु से जरा आशा रखो। समझ में आ रहा है ना? गुरु से जरा आशा रखो, यानी कहने का मतलब है जब आप कुछ भी चीज़ सीखने के लिए जब बैठते हैं और जो आपको सिखाने वाला है उसके प्रति आपके दिल में पूर्ण श्रद्धा है, प्रबल भाव है, तो उसके द्वारा सिखाई गई हर चीज़ आपको इजी वे में याद हो जाएगी। और जब पढ़ाने वाले या सिखाने वाले के प्रति अगर आपके दिल में तनिक भी संकोच है कि शायद ये जो पढ़ाने वाला है सही नहीं पढ़ा रहा होगा, सही नहीं बता रहा होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहा होगा, जब आपके दिमाग में बिल्कुल तनिक मात्र भी अगर शंका आ गई,
तो उसके द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी चीज़ होगी तो मित्रों बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगी, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो इसलिए आप गांठ बांध लीजिए कि जब आपको कोई भी कुछ सिखाए तो आप उसको पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ में आप उसको पढ़िए। मैं वादा करता हूँ कि वो आपको अवश्य याद हो जाएगी। तो गुरु से जरा आशा रखो। तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो गुरु से क्या बनती है, तो गुरु से बनता है गुरु शिखर। गुरु से गुरु शिखर, से क्या बनता है, से शेर, जैसे जरगा, ऐसे अचलगढ़ और रैसे रघुनाथगढ़। तो ये इनका क्रम है। सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर है नेचुरल में, लेकिन इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। मैं इसको प्रत्यक्ष में वहाँ पर जाके देख के आया हुआ हूँ। एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की चोटी को अगर काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाती है 1727 मीटर। इसके अलावा शेर, ये 1597 मीटर है शेर की ऊंचाई। जरगा, ये 1431 मीटर है। अचलगढ़, ये 1380 मीटर है। और रघुनाथगढ़, ये लगभग 1100 मीटर के आसपास है, ये 1157 मीटर है, 1057 मीटर है। तो ये आपको याद रखनी है, इसकी पर्वतमालाएं गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर ये 1597 मीटर, जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर और रघुनाथगढ़ 1057 मीटर है। तो ये अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ हैं। यहाँ पे बहुत से दर्रे पाए जाते हैं, जैसे देसुरी की नाल, पगलिया नाल, हाथीगुड़ा नाल, ये दर्रे इनको अपन को याद रखना है, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मित्रों ये आपको याद रखनी थी, कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपको याद हो गया, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ऊपर दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन या हम कह सकते हैं करोल बाग तक इसका विस्तार पाया जाता है अरावली पर्वतमाला का। कितने किलोमीटर में, 692 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है, जिसमें से राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर, 80% अगर भाग देखा जाए तो वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। ये अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है, राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। इस अरावली पर्वतमाला के इधर पूर्वी भाग की बात करें, पूर्वी भाग में ये मैदानी प्रदेश है, इधर जबकि पश्चिमी भाग में इसके रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना था अरावली पर्वतमाला के बारे में। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अपन को याद रखना है कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला इसके जस्ट नीचे है और विंध्याचल पर्वतमाला का जो विस्तार है वो आपको याद रखना है। विंध्याचल पर्वतमाला इस प्रकार से, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल, विंध्याचल। मित्रों एक चीज और मैं बता देता हूं यहीं पे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिर्फ रिवीजन करवाना बाकी है, कि मैंने आपको बताया था कि अरावली, कौन सी, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों को जो अलग करने वाला जो जोन है उसको मैंने आपको नाम बताया था, याद हो तो GBT, ग्रेट बाउंड्री ट्रस्ट।
या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, एफ कर लो, जी बी एफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो अरावली पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वतमाला से जो पृथक करने वाला फॉल्ट है वो कौन सा है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो आपको याद रखना है कि अरावली को विंध्याचल से किसके द्वारा अलग किया जाता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग किया जाता है। अब नेक्स्ट विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, जीबीटी याद रखना है, आपको याद हो जाए ग्रेट, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये विंध्याचल पर्वतमाला, इसका विस्तार भी कहां से कहां तक है? इसका विस्तार भी गुजरात से लेकर के और बिहार तक पाया जाता है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार तक पाया जाता है। गुजरात, गुजरात के बाद में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश, एमपी और फिर आगे जाके बिहार, ठीक है, तक इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्याचल गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, तीन राज्यों में मुख्यतः इसका विस्तार पाया जाता है विंध्याचल पर्वतमाला का। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसको मैं यहाँ लिखूँगा विंध्याचल पर्वतमाला, या ऊपर लिख लेते हैं, ये विंध्याचल पर्वतमाला। पहली प्रथम तो सबसे पहले ये खंड पर्वत का उदाहरण है, खंड पर्वत का उदाहरण है। खंड मतलब ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है, ये जो पर्वतमालाएं होती हैं कहीं पे ऊपर उठाती हैं फिर कहीं पे बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, फिर आगे ऊपर उठाती हैं ऊंचाई चोटियों के रूप में फिर बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो खंड पर्वत का उदाहरण है कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण है ये हुआ था पैलियो जोइक काल में। कौन से काल में हुआ था? तो पैलियो जोइक काल में इसका निर्माण हुआ था, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। किसका? विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ था लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसका जो निर्माण हुआ है वो चूना पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? चूना पत्थर से बनी हुई है। तो याद रखना है अपन को कि निर्माण, तो निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, चूना पत्थर। चूना पत्थर की बनी हुई है कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। इसे विंध्याचल पर्वतमाला को भी कई नामों से जाना जाता है, विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश। प्रादेशिक नाम, प्रादेशिक नाम, तो इसके जो प्रादेशिक नाम है इसको मध्य प्रदेश में कहां पर है? यहां लिख देता हूं मैं कि गुजरात में, गुजरात प्लस पश्चिमी मध्य प्रदेश, एमपी का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग में इसको कहा जाता है कौन सी श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। कहां कहां कहा जाता है कि गुजरात में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में इस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। ये तो हो गई गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश, अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश या पूर्वी एमपी। तो पूर्वी एमपी में इसे कहा जाता है, पहले प्रादेशिक नाम गुजरात और मध्य प्रदेश में इसको विंध्याचल श्रेणी, और पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है भारनेर श्रेणी, भारनेर श्रेणी। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में मित्रों इसको कहा जाता है कैमूर श्रेणी,
तो ये आपको याद रखना है, विंध्याचल पर्वतमाला के विभिन्न प्रादेशिक नाम कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। गुजरात के और मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको भारनेर श्रेणी, और बिहार में इसको क्या नाम से जाना जाता है, कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना था अपन को किसके बारे में, विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। इसके अलावा इस विंध्याचल पर्वतमाला में भी कई ये खनिज संपन्न प्रदेश है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हीरे की, हीरा और पन्ना की खानें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना है कि इस प्रदेश में हीरा और पन्ना की खानें पाई जाती हैं, विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश। अब मैं इसमें थोड़ा दबाव डाल लेता हूँ मित्रों, और एक मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करूँगा। तो मित्रों ये थी विंध्याचल पर्वतमाला, इसके बारे में आपको बस ये याद रखना है, चार पांच पॉइंट हैं कि ये खंड पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार गुजरात से प्रारंभ होता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार मुख्यतः इन तीन राज्यों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ये पैलियोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था, और पैलियोजोइक काल लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले था, तो उस समय इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण जो हुआ है तो किसकी बनी हुई है, ये चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इसके प्रादेशिक नाम आपको याद रखने हैं कि गुजरात में इसको या पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है भारनेर श्रेणी, और बिहार में इसको जाना जाता है कैमूर श्रेणी के नाम से। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पे खनिज संपन्न पर्वतमाला है, और सबसे ज़्यादा बहुतायात में यहाँ पे हीरा का खनन किया जाता है, और मध्य प्रदेश में पन्ने का खनन किया जाता है। पन्ना, जो हीरा और पन्ना पाए जाते हैं, वो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ये नर्मदा ब्रंज घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। कौन सी? उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, निर्माण करती है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। यानी विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे से होकर के कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के उत्तरी जो ब्रंज घाटी का निर्माण विंध्याचल पर्वतमाला करती है, जबकि दक्षिणी ब्रंज घाटी का निर्माण सतपुड़ा पर्वतमाला करती है। इन दोनों के बीच में होकर के नर्मदा नदी और तापी नदियों का प्रवाह होता है। तो नेक्स्ट अपने को याद रखना है, फिर थर्ड नंबर पर आती है सतपुड़ा पर्वतमाला, और ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसका जो विस्तार पाया जाता है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार भी कहाँ पाया जाता है, तो इसका विस्तार भी कहाँ से है? गुजरात से लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ और इसके अलावा बिहार राज्यों में पाया जाता है। बिहार में पाया जाता है कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वतमाला। इसका निर्माण भी कब हुआ? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का निर्माण भी कब हुआ? तो ये पैलियोजोइक काल की पर्वतमाला है। कौन सी? पैलियोजोइक काल की पर्वतमाला है। वही कितना हो जाएगा? 50 करोड़ वर्ष पूर्व। ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण माना जाता है। और जो ये बनी किसकी है, तो इसके अंतर्गत ये बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। किससे? या बेसाल्ट की बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। कौन सी पर्वतमाला का मित्रों? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का। इस सतपुड़ा पर्वतमाला को भी विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में और मध्य प्रदेश में जो इसका विस्तार पाया जाता है, वहाँ इसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ियाँ। किस नाम से जाना जाता है? राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
गुजरात गुजरात प्लस मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है राज राजपीपला की पहाड़ियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में या एमपी के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में इसे कहा जाता है महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ। इसी को कह सकते हैं अपन गाविलगढ़ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है किसे, इस सतपुड़ा पर्वतमाला को। कौन कौन से नाम याद रखने हैं? देखो इसका विस्तार जो मुख्यतः पाया जाता है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है, बिहार तक इसका विस्तार है। ये भी पहले जो एक काल में 50 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था न, और ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में या सेज में मध्य प्रदेश में इसको राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, महादेव की पहाड़ियाँ या दूसरा हम कह सकते हैं गाविलगढ़ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसको? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। नेक्स्ट मित्रों मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके अलावा आगे ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, मैं समझता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, वीडियो को आप लास्ट तक देखें आपको स्थाई याद हो जाएगा, बशर्ते आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर वीडियो को देखा होगा तो। नेक्स्ट है ये जो महादेव पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, ये महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पाई जाती हैं, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और महादेव पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़ क्या नाम है, और ये 1350 मीटर ऊंची है। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। किन पहाड़ियों की? महादेव पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, और धूपगढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई क्या है 1350 मीटर ऊंची चोटी है। इन महादेव पहाड़ियों के इनके दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में एक पठार पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन बैतूल का पठार, बैतूल का पठार। ये बैतूल का पठार इन महादेव पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, और इस बैतूल के पठार से एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं तापी नदी। तापी नदी का उद्गम होता है, तो मित्रों याद रखना है तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है, महादेव की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित कौन से पठार से होता है, बैतूल के पठार से होता है। तो ये याद रखना था आपको महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत। इसके अलावा इस महादेव पहाड़ियों के अलावा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में एक पठार पाया जाता है या पहाड़ियों में एक पठार है जिसको अपन बोलते हैं अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार। ये जो अमरकंटक का पठार है ये भी कहाँ पाया जाता है, विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत पाया जाता है अमरकंटक पठार। इस अमरकंटक पठार से भी दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो होता है नर्मदा नदी और एक है प्लस सोन नदी। इन दोनों नदियों का जो उद्गम होता है वो कौन से पठार से होता है, तो अमरकंटक के पठार से होता है। और अमरकंटक का पठार का विस्तार कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में अमरकंटक के पठार का विस्तार
पाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो प्रमुख हिल स्टेशन है, मतलब हिल स्टेशन का नाम आते ही तो आपके चेहरे पे एकदम खुशी आ जानी चाहिए, खासकर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके चेहरे पे, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी जा सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से जिनकी नहीं हुई तो उन्हें मतलब हनीमून पे जाने का मौका मिलेगा। और जब जब मैं आपको हनीमून पॉइंट बताऊं तो आप उनको तो मतलब एकदम डार्क कर लिया करो एक प्रकार से। तो जो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख हिल स्टेशन है, जो हनीमून पॉइंट है, उसका नाम क्या है बताओ? तो मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन, जो प्रमुख हिल स्टेशन है, ये प्रमुख स्टेशन है पंचमढ़ी। तो कौन सी पहाड़ियों में? ये मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। जैसे मैंने हिल स्टेशन पहले भी आपको बताए थे, याद हो तो, लघु हिमालय के अंतर्गत बताए थे, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, धर्मशाला, हरिद्वार, ये सब जो हिल स्टेशन है। और ये मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन हो गया कौन सा? पंचमढ़ी। तो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मिटाने से पहले, इसके बाद में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया था अरावली पर्वतमाला का, और अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमालाएँ में से एक है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार पाया जाता है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर के और दिल्ली में करोल बाग तक इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे प्राचीन पर्वतमालाएँ, इसका निर्माण कब हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। ये कब था? तो 4 अरब वर्ष पूर्व पहले इसका निर्माण हुआ। ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली में करोल बाग तक है। कितने? 692 किलोमीटर की लंबाई में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सिरोही ज़िले के खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। 550 किलोमीटर खेड़ ब्रह्म से लेकर झुंझुनू खेतड़ी तक है। लगभग 80% अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है, और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, गुरु शिखर 1722 मीटर है, शेर 1597 मीटर है, जरगा 1431 मीटर है, अचलगढ़ इसकी 1380 मीटर है, और रघुनाथगढ़ 1057 मीटर है। तो ये प्रमुख चोटियां हैं। गुरु शिखर के ऊपर एक नेचुरल तो 1722 है, यहाँ पे एक टेम्पल मंदिर बना हुआ है, अगर उसको भी उसमें काउंट कर लिया जाए तो 1727 मीटर इसकी चोटी हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने सेकंड नंबर पर पढ़ा विंध्याचल पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वतमाला भी किसका उदाहरण है? खंड पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण कब हुआ? तो पैलियोजोइक काल में हुआ। और पैलियोजोइक काल था कब, कितने वर्ष पूर्व? तो आपको याद रहा 50 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो एक काल था, उस समय किसका निर्माण हुआ? विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। मित्रों नेक्स्ट आपको याद रखना है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्याचल का चूना पत्थर से, जबकि सतपुड़ा पर्वतमाला का किससे हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से। आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण तो किससे? चूना पत्थर से, की वजह से इसका निर्माण हुआ है। इसमें चूना पत्थर बहुतायात मात्रा में पाया जाता है, और इसका निर्माण जो सतपुड़ा का किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके प्रादेशिक नाम क्या थे? तो गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसको कहा जाता है विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारनेर श्रेणी, और बिहार में इसे जाना जाता है किस नाम से? कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें हीरे का और पन्ने का खनन किया जाता है। और जो विंध्याचल पर्वतमाला, तो नर्मदा भ्रंश घाटी जो पाई जाती है, यानी नर्मदा नदी जो बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में होके बहती है, जो जीवीटी पाया जाता है वहाँ होके बहती है, और नर्मदा भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का अगर निर्माण करती है तो कौन है? विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आती है इसका जो सतपुड़ा पर्वतमाला, और सतपुड़ा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों में, इन्हें मुख्यतः 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है।
सतपुड़ा पर्वतमाला का। ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भी कब निर्माण हुआ, तो वही पहले जो एक 50 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा इसका किससे बनी हुई है, तो मित्रों ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वतमाला को भी विंध्याचल की तरह विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जैसे विंध्याचल को तो जानते थे विंध्याचल, भारनेर और कैमूर श्रेणी, उसी प्रकार से इसको गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में राजपीपला की पहाड़ियाँ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या नाम से, महादेव की पहाड़ियाँ, या इन्हीं को बोलते हैं गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, और महादेव पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, धूपगढ़। और इन महादेव पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में एक पठार है जिसका नाम है कौन सा, बैतूल का पठार। और इस बैतूल के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तापी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, इन दोनों में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पठार पाया जाता है, तो अमरकंटक का पठार, और अमरकंटक के पठार से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। तापी नदी तो कहाँ से निकलती है, बैतूल के पठार से निकलती है, जबकि अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलने के बाद में उत्तर की तरफ बहती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है सोनपुर बिहार में। आपने सुना होगा सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में, तो वहाँ जाकर के सोन नदी मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलने के बाद में और पश्चिम की तरफ बहते हुए गुजरात से प्रवाहित होती हुई कहाँ चली जाती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो प्रमुख हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, वो भी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। तो मित्रों तीन पर्वतमालाएं अब तक हमने पढ़ ली, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला। इसके अलावा दो पर्वतमालाएं और बाकी हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट आप फोर्थ नंबर पे हेडिंग लिखिए पश्चिमी घाट, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। मैं समझता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, वीडियो को बीच में रोकना नहीं है, पॉज नहीं करना है, उसको लास्ट तक देखना है। और अगर मित्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार की लगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो आप वो भी आप बता सकते हो डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा अभी हम लाइव क्लास प्रारंभ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे द्वारा एक चैनल बनाया हुआ है डिस्कवरी क्लासेज जयपुर। और डिस्कवरी क्लासेज जो चैनल है या जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको वहाँ से भी हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपसे उपलब्ध हो सकता है, लाइव क्लास कब से प्रारंभ हो रही है, कितने बजे से हो रही है, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो उससे जुड़ने के लिए आप एक नंबर नोट कर सकते हो, इसमें आप मैसेज कर सकते हो 8058915623। ये मेरा नंबर है, इसको मैं ही हैंडल करता हूँ। और डिस्कवरी क्लासेज जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर जुड़ के हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, उनकी भी क्लास प्रारंभ हो रही है। पॉलिटिकल की क्लास कंटिन्यू लगना चालू हो गई हैं, तो आप कृपया करके उनको भी देखिए, ये हर कंपटीशन के लिए आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। चाहे आप रीट की एग्ज़ाम दो या फिर आप राजस्थान पुलिस की दो, चाहे आरएएस लेवल की एग्ज़ाम हो, बस जिस एग्ज़ाम में ये टॉपिक आते हैं वो टॉपिक वहाँ पे, इतना मैं आपको विस्तार से इसका अध्ययन करवा रहा हूँ कि बार बार आपको दोबारा से नहीं पढ़ना पड़े। नेक्स्ट जो पर्वतमाला थी वो है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट फोर्थ नंबर पर आती है। ये पश्चिमी घाट का जो विस्तार पाया जाता है, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ एक छोटा सा,
तो ये पश्चिमी घाट है और इस पश्चिमी घाट का विस्तार इधर पूर्वी घाट पाया जाता है। इस पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ से तापी नदी बहती है जिसको अपन बोलते हैं तापी घाटी। तो तापी घाटी से लेकर के और यहाँ पे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, तो तापी घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है, पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? तापी घाटी से लेकर उत्तर में और नीचे कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, या कह सकते हैं हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो इधर की तरफ है, पूर्व की तरफ जो ढाल है वो मंद ढाल पाया जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ इसका ढाल कैसा पाया जाता है? इसका ढाल तेज पाया जाता है। पूर्व की तरफ तो मंद पाया जाता है और पश्चिम की तरफ कैसा पाया जाता है? तो पश्चिम की तरफ जो ढाल है वो कैसा है मित्रों? तो इसका ढाल तेज पाया जाता है। इस पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि इधर से जो मानसून आता है जिसको अपन बोलते हैं अरब सागरीय मानसून, वो अरब सागरीय मानसून सबसे पहले इस पश्चिमी घाट से जाकर के टकराता है और इस पश्चिमी घाट से टकराने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा, 250 से 300 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वो कहाँ होती है? इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे जैव बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता अगर कहीं पाई जाती है तो मित्रों वो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में। देखो मैं लिख देता हूँ, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता अगर पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है, इसका पश्चिमी ढाल कैसा पाया जाता है? तो तेज पाया जाता है, जबकि पूर्वी ढाल कैसा पाया जाता है? तो पूर्वी ढाल इसका मंद पाया जाता है। ये भी असतत, असतत या हम कह सकते हैं खंड पर्वत का उदाहरण है, पर्वत का उदाहरण है, खंड पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसको कई भागों में डिवाइड किया जाता है, मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और नेक्स्ट है दक्षिणी सह्याद्री। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तीन भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम छोटा बना देता हूँ, ये डायग्राम, ये तापी घाटी से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार है नीचे तक, इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ तापी घाटी दिख रहा है ना आपको, तापी घाटी से लेकर यहाँ पे महाराष्ट्र के लास्ट तक 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश हैं, नॉर्थ अक्षांश, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और यहाँ 16 से लेकर के यहाँ पे 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 11 डिग्री नॉर्थ तक, और 11 से लेकर के यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखो तापी घाटी से लेकर के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, इसमें महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आता है, यहाँ कर्नाटक आता है और यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और
का जो भाग है, केरल का भाग है इसमें कुछ है? केरल, तो इसको तो हम बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। बीच में इसको अपन बोलते हैं कौन सी, मध्य सह्याद्री, और सबसे नीचे उसको अपन बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा। देखो जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। और सह्याद्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार पाया जाता है वो तापी घाटी से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी कर्नाटक वाला जो महाराष्ट्र वाला जो भाग है वहाँ इसका विस्तार पाया जाता है उत्तरी सह्याद्री। मध्य सह्याद्री में जो कर्नाटक है 16 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच वाला भाग, या हम कह सकते हैं जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाता है मध्य सह्याद्री का। और सबसे दक्षिणी जो सह्याद्री पाई जाती है वो 11 डिग्री से या नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर के और कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी सह्याद्री का, दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा मित्रों आपको याद रखना है कि ये जो उत्तरी सह्याद्री है, इस उत्तरी सह्याद्री की जो चोटियाँ हैं तो दो चोटी पाई जाती हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। एक तो है जिसका नाम है तलसुबाई, तलसुबाई चोटी पाई जाती है, और दूसरी है महावलेश्वर, महावलेश्वर चोटी पाई जाती है। ये जो तलसुबाई चोटी है इसका, इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर ऊंची चोटी है, और महावलेश्वर है इसकी 1438 मीटर ऊंचाई है। किसकी, महावलेश्वर। इस तलसुबाई चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। जबकि महावलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम महावलेश्वर चोटी से और तलसुबाई चोटी का उद्गम गोदावरी नदी से होता है। तलसुबाई चोटी 1646 मीटर है जबकि महावलेश्वर चोटी 1438 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट मित्रों, ये जो मध्य सह्याद्री है, इस मध्य सह्याद्री में यहाँ लिख देता हूँ कि मध्य सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये पहले तो इसका कर्नाटक में विस्तार है, कर्नाटक में विस्तार पाया जाता है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अपन बोलते हैं कुद्रेमुख। कौन सी चोटी पाई जाती है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख चोटी पाई जाती है। और ये जो कुद्रेमुख चोटी है आरएएस एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में, या इसका क्वेश्चन था कि यहाँ एक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो ये जो बाबा बुदन की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख चोटी है। तो इसमें क्वेश्चन था कि बाबा बुदन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, आरएएस एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक, या हम कह सकते हैं मध्य सह्याद्री में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और बाबा बुदन की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख चोटी। इसके अलावा ये कुद्रेमुख चोटी, और सबसे लास्ट में आता है दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री में आपको याद रखना है कि दक्षिणी सह्याद्री जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं दक्षिणी सह्याद्री के बारे में, और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में आपको याद रखना है, ये दक्षिणी सह्याद्री है इसका विस्तार 16 डिग्री से लेकर के या नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है दक्षिणी सह्याद्री का। इस दक्षिणी सह्याद्री में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है
इनकी जो चोटी है यह यहाँ पे अन्नाई मलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नीलगिरी में पाया जाता है। और यहाँ पे पहाड़ियाँ जो हैं नीलगिरी में भी अलग से छोटी हैं, तो वह हैं अन्ना मलाई पहाड़ियाँ हैं। और अन्ना मलाई पहाड़ियों की जो चोटी है, इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाई मुडी।